हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलसी शर्मा। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कुछ ऑर्गेनाइजर्स। फ्रेंड्स, इधर उधर बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, हम किसी को भी पसंद नहीं आता, ना ही अच्छा लगता है। तो हमें हमारा घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होता है जिससे हमारा घर सुंदर दिखे। तो हमें कवर्ड में अच्छे से सामान को ऑर्गेनाइज करना होता है, और ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर हमारे पास अच्छे अच्छे सारी चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर होते हैं तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है हमें हमारे सामान को अच्छे से लगाना, कवर्ड में ऑर्गेनाइज करना। और स्पेशली न्यूली मैरिड के लिए ये बहुत ही टफ होता है, क्योंकि उसे नए घर में आके शिफ्ट करना होता है और न्यूली मैरिड्स के पास बहुत सारा सामान भी होता है, ज्वेलरी, मेकअप का सामान और साड़ीज वगैरह बहुत सारा सामान होता है। तो उसको एक साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर हमारे पास हर चीज़ के अलग अलग ऑर्गेनाइजर होते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, तो बहुत ही इजीली हम अपने कवर्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे इन-लॉज भी थोड़ा सा देख के खुश हो जाएं। वैसे तो हम सभी के पास ऑर्गेनाइजर्स होने चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन आज का वीडियो मैंने स्पेशली न्यूली मैरिड को ध्यान में रखकर ही बनाया है। और मैं इसके बाद कुछ और भी ऑर्गेनाइजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और किस तरह के आपको ऑर्गेनाइजर देखना पसंद है या आप देखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस तरह के ऑर्गेनाइजर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के वीडियो में और देख लेते हैं इन ऑर्गेनाइजर्स को। तो फ्रेंड्स, ये है बैंगल ऑर्गेनाइजर, तो इसमें हम अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये मैंने दो मंगाए हैं, इस टाइप के आप अपने बैंगल्स के अकॉर्डिंग और भी मंगा सकते हैं। ये कॉम्बो मैंने मंगाया था फ्रेंड्स, और ये इस टाइप का प्लास्टिक किट है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। रेड और न्यू ब्राइड्स के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। तो इसमें है ये ऊपर के साइड में जिप, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है फ्रेंड्स, और इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है ये भी काफी सॉफ्ट अच्छी क्वालिटी का है, तो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा ये फ्रेंड्स। जो सिलाई से कपड़े बचते हैं, टुकड़े बचते हैं, इसके अंदर वो डाल के टुकड़े और इसका एक रोल बना लिया है, ऊपर से इसको रैप कर दिया है। तो इसमें आप अपने बैंगल्स को डाल के इसमें इजीली लगा सकते हैं। तो आप अपनी साड़ी का मैचिंग का एक चूड़ा इसमें डाल सकते हैं, एक चूड़ा आ जाएगा आराम से। तो मैंने फिलहाल दो परचेज किए हैं, आप अपने जो भी बैंगल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस क्या है वो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी विद पिक्चर, तो आप देख लीजिएगा। और ये काफी अच्छा लगा मुझे, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी। और फ्रेंड्स, फिर है ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, आप देख सकते हो रेड कलर का है, कितना ब्यूटीफुल है इसका कलर, और गोल्डन कलर का ये प्रिंट हो रखा है, तो बहुत ही प्यारा है। और ये है इसमें जिप, जिप की क्वालिटी भी सही है। बस इसके अंदर जो थोड़े से धागे हैं जो फैब्रिक में से निकले हुए हैं वो थोड़े से फंस जाते हैं, तो आपको थोड़ा आराम से इसको ओपन करना है, और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर के साइड में भी एक जिप दिया हुआ है, तो आप अपने बैंगल्स वगैरह या जो भी ज्वेलरी का जो भी सामान है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो इसमें आप रख सकते हैं। काफी बड़ा पॉकेट दिया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद ये छोटे छोटे पाउचेस दिए हुए हैं, तो ये आगे से ट्रांसपेरेंट दिए हुए हैं, पीछे से फैब्रिक है, तो आगे से ट्रांसपेरेंट है, तो फ्रेंड्स आपको सारे पाउचेस खोल के नहीं देखने पड़ेंगे, आपको जो ज्वेलरी चाहिए होगी वो दिख जाएगी और आप उसे खोल के निकाल सकते हो। लास्ट में फिर से एक जिप दिया हुआ है, आप देख सकते हो काफी बड़ा है, आप अपनी ज्वेलरी इसमें भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में जो आप देख सकते हो जो स्टिचिंग है उसके अंदर, इन दोनों फैब्रिक के अंदर आप देख सकते हो यहाँ भी एक लाइनिंग दी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और ये फैब्रिक के बीच में इन्होंने फोम डाला हुआ है, थोड़ा सॉफ्ट लगता है ये देखने में फ्रेंड्स। बंद करने के बाद फोम लगा हुआ है, इसलिए आपकी ज्वेलरी को कोई जल्दी नुकसान नहीं पहुँचेगा। काफ़ी अच्छा पाउच है ये, और आप देख सकते हो इसमें इस तरह का हैंडल भी लगा हुआ है, तो काफ़ी प्यारा लगा ये ऑर्गेनाइजर मुझे। और इसका भी प्राइस विद पिक्चर मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मंगाए हैं मैंने ये अपने साड़ी या गाउन वगैरह, लहंगे वगैरह, किसी चीज़ को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये मैंने उसी पर्पज़ से मंगाए हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, कलर पिंक है, कितना प्यारा कलर है इसका, और फ्लोरल प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत है। कुछ इसका फैब्रिक इस तरह का है, थोड़ा शाइनी, और दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे रैक्सीन है, बट ये रैक्सीन नहीं है, फैब्रिक ही है, तो ये खराब नहीं होगा। अंदर से ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो काफी थिक है और काफी स्पेसी है। फ्रंट पे आपको ये ट्रांसपेरेंट
लुक मिल जाता है इधर। ये प्लास्टिक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसपेरेंट है, तो आप अपने साड़ीज को यहाँ से या लहंगे को देख सकते हैं, तो आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने पहले भी इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र परचेज किए थे, बट उसमें इस टाइप का ट्रांसपेरेंट शीट नहीं लगा हुआ था, तो इस वजह से उसे पूरा खोलना पड़ता है। मैं वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। वो मैंने 12 का कॉम्बो खरीदा था, और अब मैं अपने कवर्ड में बहुत ही ईजिली अपने कपड़ों को जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो मैं उसमें डाल के अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ अपने कवर्ड को। बहुत ही ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और कपड़े जब सीज़न में निकालने होते हैं तो काफ़ी साफ़ निकलते हैं। काफ़ी अच्छे से निकालने के बाद उन्हें यूज़ भी कर सकते हो। पहले क्या होता था, मैं इधर उधर डाल देती थी तो गंदे भी हो जाते थे, तो मुझे दोबारा से वॉश करने पड़ते थे, और अब मुझे वॉश भी नहीं करने पड़ते सारे कपड़े। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाया है 3 का कॉम्बो, आप देख सकते हो तीनों ही एक से हैं, एक सा कलर है तीनों का ही, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे हैं ये। प्राइस और इसका पिक्चर मैं स्क्रीन पर ऐड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और फिर मंगाए हैं मैंने ये 2 ब्लाउज ऑर्गेनाइज़र, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी इसकी सही है, बहुत अच्छी नहीं है बट सही क्वालिटी है, ख़राब होने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़राब हो जाएगी, तो चलने वाली चीज़ है, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आप देख सकते हो ये ब्लाउज शेप में है, तो आप अपने ब्लाउज को अच्छे से शेप बना के इसमें अच्छे से डाल सकते हैं, तो वो ख़राब नहीं होंगे। अदरवाइज ब्लाउज को कैसे फोल्ड करना है, लगाना, उन्हें सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसमें आप अलग से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। शेप काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और आप यहाँ देख सकते हैं ये इस टाइप का डिज़ाइन बनाया हुआ है इन्होंने, मरून कलर का ये है प्लेन, और इन्होंने प्रिंटेड ये डिज़ाइन बनाया हुआ है किनारे पर। आप इसे पाइपिंग भी बोल सकते हैं, बॉर्डर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। मैंने 2 मंगाए हैं, और फिर मैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मंगाऊंगी फ्रेंड्स, तो बहुत खूबसूरत है। इसका प्राइस भी मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट पीस है मेरा ये, आप देख सकते हो, ये मैंने 12 का कॉम्बो मंगाया था, और ये मुझे 3 कलर में रिसीव हुआ था, 1 पिंक, रेड एंड कैमिल कलर। और इसकी जिप क्वालिटी सही है, अभी तक मुझे 1 साल हो गया, अभी तक ये ख़राब नहीं हुए हैं। ऊपर से ये लुकिंग वाइज कुछ ऐसा लगता है, आप देख सकते हो। इसका मटेरियल थोड़ा सा हल्का था, उससे जो मैंने अभी आपको दिखाए वो अच्छी क्वालिटी में है, इससे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी उससे हल्की है, बट फिर भी ये ख़राब नहीं हुआ है, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया फ्रेंड्स इसको यूज़ करते करते। इसका भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, हमारे कपड़ों में जो गत्ते निकलते हैं मैं इसके अंदर ऐसे डाल देती हूँ, जिससे ये थोड़ा सा टाइट रहता है, और इसमें डाल के मैं अपने कपड़े आराम से लगा लेती हूँ। ये मैंने 12 का सेट परचेज़ किया था फ्रेंड्स, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही कन्वीनियंट होता है इन्हें यूज़ करना और अपने कवर्ड को अच्छे से सेट कर देना, तो कपड़े बिल्कुल भी इधर उधर बिखरे नहीं रहते हैं और गंदे भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे ये ऑर्गेनाइजर्स, अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। प्राइस मैंने स्क्रीन पे ऐड कर दिए थे, तो आपने देख ही लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये ऑर्गेनाइजर्स हॉल, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं ऑर्गेनाइजर्स पर, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।